सम्मानित अतिथिगण, समस्त शिक्षकगण और प्यारे सहपाठियों, आप सबको श्री कृष्ण मार्चेंट एसोसिएशन इंटर कॉलेज के हम छात्रों की ओर से सादर नमस्कार। हम सब यहाँ पर एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसका शीर्षक है मतदाता जागरूकता। मतदान करना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें राजनीति से क्या मतलब है, और बहुत सारे लोग ये होते हैं जो चंद रुपए के लिए अपना वोट दे देते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि कोई भी चुन करके आ जाता है और फिर उसके बाद समाज में अराजकता और अशांति का माहौल बन जाता है। तो इस नाटक के जरिए हम लोग आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह एक वोट, एक हमारा जो मत होता है, वो हमारे समाज के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, प्रस्तुत है आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति जिसका शीर्षक है मतदाता जागरूकता। अरे बदुआ, ओ बदुआ, अरे सुनते हो कि नहीं? अरे बदुआ सुनो ना, क्या करत हो? हाँ हाँ भाई, सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहते हो लड़कू? अरे भैया क्या बताएं, बहुत परेशान है। इस गांव की चिंता के वजह से तो हमारा दिमाग खटो जा रहा है। अरे भैया क्या बताएं, तुम्हें पता नहीं हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ है? ना सड़क है, ना पानी है, और दवा पानी खेती बाड़ी की समस्या तो छोड़ो, कुछ सुनने वाला ही नहीं। अरे भैया तुम ही कुछ बताओ। अरे भाई क्या बताएं, रात दिन मेहनत कर हम खेती करते हैं और तब जाकर दो वक्त का हमें खाना नसीब होता है। हम इसमें देश और देश गांव के बारे में क्या सोचें भाई? ओहो, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। क्या बात है भाई, जरा हम तो जाने का खिचड़ी पक रही है। अरे आओ आओ चौधरी जी, बहुत चिंता में है हम। आज हम दोनों और हम सब लोग अपने गांव के बारे में और तमाम समस्याओं के बारे में चिंतित हैं। आप ही कुछ बताओ कि हम इन समस्याओं का क्या करें। अरे भाइयों, नंबू बुधवा, पहले पेड़ की चिंता करी। हम तो एक बतावन खातिर आए हैं कि 350 रुपए दिहाड़ी का मिल गए दुबारे कब आए, हमारे साथ चल बो लो। क्या कहते हैं कि पेट के खातिर हम सब कुछ करें। अरे भाई हमें तो ये कह रहे हैं कि पेट के खातिर हम करते हैं, पेट खुद तो सब कुछ खुश। हाँ भैया, घर ही में बैठे रहो, ना कछु सोचो ना कछु करो, बस अपने बारे में सोचते रहो। ऐसे हमारा और हमारे देश का विकास कैसे हो पाए? तुम तो बस खाए और सो जाए, समझे कुछ? अरे प्रधान जी, तनिक साफ साफ क्यों नहीं समझाते, जिससे हमें भी समझ में आए और जा लोगों को भी समझ में आए। अरे भैया सुनो तो फिर, देखो इस बार चुनाव में हम लोग अपने मत का प्रत्याशी चुन सकते हैं और अपने मत का सही प्रयोग करके अपने गांव का और अपने देश का विकास कर सके हैं। और ये जो तुम समस्या अभी गिनाए हो ना, बिजली पानी सड़क, इन सबका समाधान कर सको, समझे? सही कहते हो प्रधान जी, जब क्या हो, जब ये कोई गांव वाला ना माने। अरे महाराज कैसी बातें करते हो, काहे नहीं मानेंगे? अरे हम समझाते हैं ना अभी, समझो। देखो सबसे पहले तुम लोग अपने पोलिंग बूथ पर जाओ और सबसे पहले अपना मत बनवाओ, और उसके बाद आने वाले चुनाव में अपने मत का सही सही प्रयोग करके अपना मन का प्रत्याशी चुनो, ताकि हमारा और हमारे इस देश का भला हो सके। और एक बात और, इस बार को प्रत्याशी का फोटो भी दिया उसके सामने, उसके सामने वाला ही बटन दबाए के अपना मत दो, तभी हमारा और इस देश का विकास हो पाएगा, समझे? सही कह दो प्रधान जी, हम अपने वोटर का प्रयोग जरूर करेंगे और अपने और मतदान जरूर करेंगे और अपने आस पास वालों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। हाँ हाँ भैया, हम समझ गए, हम गली गली गांव गांव जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने मतदान का सही प्रयोग करें और मतदान देने जरूर जाएं, ताकि हम उससे अपना मनचाहा प्रत्याशी चुन सकें। हाँ भैया जी, अब आए ना आए लाइन पे, तो जनता को तो संदेश देना चाहते हो ना ही? हाँ भैया जरूर देना चाहते हैं। जागो जागो मतदाता जागो, अपना हक तुम हक से मांगो, अपने मत का करो प्रयोग, मिटे गरीबी जैसे रोग। आइल ओटन की बार अब नादानी ना कर, आइल ओटन की बार अब नादानी ना कर, आइल ओटन की बार अब नादानी ना कर, अब नादानी ना कर।
अपना